अब आगे का आधार है पृष्ठ रज्जु या नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड मेसोडर्म से बनी हुई पृष्ठ भाग में लचीली और छड़नुमा रचना होती है। कभी कभी कुछ जंतुओं में यह वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस हो जाती है, अर्थात नोटोकॉर्ड का स्थान वर्टिब्रल कॉलम ले लेता है। ऐसे में इन जंतुओं को हम वर्टिब्रेट कहते हैं। पृष्ठरज्जु की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर या रिप्लेसमेंट या स्थानांतरण के आधार पर हम जंतुओं को तीन भागों में बांट सकते हैं। पहला कॉर्डेट्स, जिसमें कि पृष्ठरज्जु पाए जाते हैं, या इन्हें कशेरुकी भी कहते हैं। इनका उदाहरण है मेंढक, मछली, सर्प आदि। दूसरा समूह वो हैं जिनमें पृष्ठरज्जु या नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस हो जाते हैं। इनका उदाहरण है सर्प, मनुष्य आदि। और तीसरा समूह है जिनमें जीवन की किसी भी अवस्था में पृष्ठरज्जु या नोटोकॉर्ड अनुपस्थित होते हैं। ऐसे समूह को हम नॉन कॉर्डेट्स कहते हैं। इनका उदाहरण है केचुआ, कॉकरोच इत्यादि। नोटोकॉर्ड या पृष्ठरज्जु। पृष्ठरज्जु वो संरचना है जो मेसोडर्म से बनती है, और साथ ही साथ ये एक तरह का सुदृढ़ संरचना या सपोर्ट देती है, और डॉर्सल या पृष्ठ भाग में रहती है। ये एक लचीली छड़नुमा रचना है। अब कई जंतुओं में ये जो नोटोकॉर्ड है ये अनुपस्थित होती है, मतलब नोटोकॉर्ड नहीं मिलता। जब नोटोकॉर्ड नहीं मिलता तो जंतुओं के उस समूह को हम नॉन कॉर्डेट या अकशेरुकी कहते हैं। अगर नोटोकॉर्ड मिलता है, नोटोकॉर्ड उपस्थित है, तो जंतुओं के इस समूह को हम कॉर्डेट्स कहते हैं। इन दोनों के अलावे एक और भी समूह है जिसमें नोटोकॉर्ड तो होता है लेकिन वो वर्टिब्रल कॉलम से विस्थापित हो जाता है, मतलब वर्टिब्रल कॉलम या मेरुदंड उसको जाकर के क्या करता है, रिप्लेस कर देता है। ऐसे समूह को हम वर्टिब्रेट्स कहते हैं। अब सारे वर्टिब्रेट्स कॉर्डेट्स होंगे लेकिन सारे कॉर्डेट्स वर्टिब्रेट नहीं होंगे। ध्यान से सुना आपने, मैंने क्या बताया कि सारे कॉर्डेट्स वर्टिब्रेट नहीं हो सकते, पर सारे वर्टिब्रेट्स कॉर्डेट्स होंगे, अर्थात ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स मे नॉट बी वर्टिब्रेट। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि सारे कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम से विस्थापित नहीं हो रहा है। तो केवल वही समूह जिसमें नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम से विस्थापित हो रहा है उसको ही हम वर्टिब्रेट मानते हैं। अब नोटोकॉर्ड जिसमें है वो कॉर्डेट हुए, तो कॉर्डेट का एग्जाम्पल कौन कौन हो गए? सारे कॉर्डेट्स जैसे कि मछलियां, सर्प, पंछी, मैमल्स, जिसमें कि सारे बंदर या बिल्लियां, मनुष्य सभी शामिल हैं, ये सारे कॉर्डेट्स हो गए। पर कुछ कॉर्डेट्स में वर्टिब्रल कॉलम विस्थापित हो जाता है, विस्थापित करते हैं नोटोकॉर्ड को, और ये काम जिसमें होता है उनको हम वर्टिब्रेट्स कहते हैं। तो ये वर्टिब्रेट्स कौन कौन से हो गए कि जिनमें वर्टिब्रल कॉलम ने नोटोकॉर्ड को विस्थापित कर दिया? मनुष्य उसका उदाहरण है, मैमलिया उसका उदाहरण है, हम सभी वर्टिब्रेट्स हैं, मेंढक भी उसका उदाहरण है। अब पर ऐसा जंतु जो कि वर्टिब्रल कॉलम उनके नोटोकॉर्ड को या
पृष्ठ रज्जु को विस्थापित नहीं करता है, वो कौन से कॉर्डेट हैं? तो वो कॉर्डेट हैं हर्डमानिया, वो कॉर्डेट हैं प्रोटोकॉर्डेट, वो कॉर्डेट हैं यूरोकॉर्डेट। ठीक है, तो हर्डमानिया, एशिडिया, एम्फियोक्सिस, ये वो उदाहरण हैं जिसमें नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम से विस्थापित नहीं हुआ है। आइए अब अगला समूह देखते हैं, जब नोटोकॉर्ड अनुपस्थित है, मतलब नोटोकॉर्ड नहीं है। अब नोटोकॉर्ड नहीं है तो इस समूह को हम क्या कहेंगे, नॉन कॉर्डेट या इनवर्टिब्रेटा। इनवर्टिब्रेटा या नॉन कॉर्डेट का समूह पोरीफेरा से शुरू होता है और इकाइनोडर्मेटा में समाप्त होता है, मतलब पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमेंथिस, एस्केहेलमेंथिस, एनिलिडा, ऑर्थ्रोपोडा, मोलस्का एंड इकाइनोडर्मेटा। और फिर शुरुआत होती है कॉर्डेट ग्रुप की, कॉर्डेट समूह की। लेकिन इन दोनों के बीच में एक समूह है जिसको हम कहते हैं हेमीकॉर्डेटा। हेमीकॉर्डेटा जो है वो, हेमी का मतलब होता है आधा और कॉर्डेटा का मतलब जहां नोटोकॉर्ड है। तो बहुत सालों तक बच्चों ऐसा हुआ कि एक ऐसी संरचना इन जंतुओं के समूह में दिखती थी, शरीर में दिखती थी, जहां जो नोटोकॉर्ड के जैसी ही थी, तो इनको हमने कॉर्डेटा समूह में रख लिया था। लेकिन बाद में पता चला कि इसमें जो छड़नुमा रचना दिख रही है वो एक्चुअली, वो वास्तव में नोटोकॉर्ड नहीं है, वो स्टोमोकॉर्ड है जो कि मेसोडर्मल नहीं है या मेसोडर्म से नहीं बनती है, पर दिखती वो नोटोकॉर्ड की तरह है, इसलिए उनका एक अलग समूह बनाया गया और उनको हमने हेमीकॉर्डेटा कहा। हेमीकॉर्डेटा का उदाहरण है बैलेनोग्लॉसस, जिनको हम टंगवर्म या जिनके शरीर की रचना, टंग माने जीव, जीव जैसे आप मोड़ लेते हैं, गोल बना लेते हैं, उस तरह से ये टंगवर्म होते हैं, इनको बैलेनोग्लॉसस कहते हैं। और इसी नोटोकॉर्ड के तहत एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताना चाहूंगी कि जो मनुष्य है, हमारे शरीर में, हमारी भ्रूण अवस्था में भी देखिए नोटोकॉर्ड किस तरह से रिप्लेस होता है, कैसे पहले वो डेवलप होता है, कैसे वो विकसित होता है, और बाद में वही नोटोकॉर्ड किस तरह से वर्टिब्रल कॉलम से विस्थापित हो गया है। तो ये आप देख रहे हैं वर्टिब्रल कॉलम मनुष्य के भ्रूण अवस्था में, उसका विकास, और ये वर्टिब्रल कॉलम ने नोटोकॉर्ड को रिप्लेस कर दिया। तो ये एक उदाहरण था जब वर्टिब्रेट समूह में वर्टिब्रल कॉलम नोटोकॉर्ड को रिप्लेस करता है, विस्थापित करता है, और ऐसे समूह को हम वर्टिब्रेटा कहते हैं। तो इन जानकारियों के साथ हमारा आज का अध्याय एनिमल किंगडम, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन या जंतु जगत, वर्गीकरण का आधार यहीं पर समाप्त हुआ।